गिनती 18वां बाब। और खुदावन ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा, और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें, वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफजत करें, फक्त वो मकदस के जरूफ और मजबा के नजदीक ना जाएं, ताना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमा इज्तमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफिजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए, और तुम मकदस और मजहबा की मुहाफिजत करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजल ना हो। और देखो, मैंने बनी इसराइल को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावन की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया, और देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावन की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया, ताकि वो खैमाए इज्तमा की खिदमत करें, पर मजबा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहां तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूं, और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी हैं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरें, और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना। मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूं। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं, अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावन के हजूर लाएं, तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावन के हजूर गुजरानते हैं, जितने पहलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं, और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब एक महीने के हों तो उनको अपनी ठहराती हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिसकाल के हिसाब से जो 20 जर्रे की होती है चांदी की 5 मिसकाल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलोठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं, तू उनका खून मजबा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना।
ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे, और उनका गोश्त तेरा होगा जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दाहनी रान तेरे हैं। जितनी मुकदस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूं। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमाए इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दैयक की मौरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमाए इज्तमा के नजदीक हरगिज ना आए, ताना हो कि गुनाह उनके सिर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमाए इज्तमा की खिदमत करें और वो ही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दैयकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी की दैयकी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना, और तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मैस समझी जाती है। इसी तरीका से तुम भी अपनी सब दैयकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना, और खुदावन की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिलें, उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावन का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनके अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ला और कोलू की भरी मैं के बराबर महसूब होगा, और उनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमाए इज्तमा में करोगे। और जब तुम इसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकदस चीजों को नापाक ना करना ताकि तुम हलाक ना हो।